कोई है? कोई है? कोई है? ये जो अभी जो सामने गांव दिख रहा है ये कौन सा है? ये पूरा ही जल रहा है, इसके पीछे कंडी पड़ती है और इसके नीचे लुलानी पड़ती है। हमारे CSIR IHBT के साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार जी की आप देख ही सकते हैं डेडिकेशन कि वो कितने डाउन टू अर्थ है। और ये गांव जो है लगभग 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल हाइट पे है। इसको पूरा सुखाया हुआ है, फिर इसको खाएंगे यहाँ पे। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़। प्रियंका राज ने दी नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ हमारा जो पालमपुर का बैजनाथ ब्लॉक है उसके ललाणी गांव में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सी जगह। जी हाँ दोस्तों, सोचा तो नहीं था आज ब्लॉगिंग करेंगे बट सडन प्लान बन गया और मेरी जो ये सांस फूल रही है ये इसलिए फूल रही है क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ के एक मेहनती किसान है जिन्होंने सुगंधित गेंदे की फसल की यहाँ पर खेती बाड़ी की है। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पहाड़ में जाके खेती बाड़ी की है इसकी। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका मिल रहा है और आपको दिखाते हैं वो मेहनती किसान कौन है और किस तरह से वो यहाँ पर खेती बाड़ी करते। बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो जो मेहनती इंसान होता है वो मेहनत करके ही रहता चाहे उसे कहीं पर भी जाके करना पड़े। तो बस चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, देखिए सामने आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सीधा है चढ़ने के लिए। और हमारे साथ जो वैज्ञानिक है CSIR IHBT के साइंटिस्ट, वो भी किसानों की खेतों का ब्यौरा करने के लिए देखे इतना चल के जा रहे हैं। वो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पे उन्होंने सुगंधित गेंदे की फसल लगाई है। तो बस वहीं जा रहे हैं सारे, सब आगे निकल गए हैं और हम पीछे रह गए। ये A few minutes later. अभी हमने अपना हाफ ऑफ दी जो रास्ता है वो क्रॉस कर लिया है। बस अभी हम जाएंगे इस सनकने से रास्ते से और यहाँ से बचा है अभी हमें जो हमारी मंजिल है आज की, जहाँ पर आपको मिलेंगे सुगंधित गेंदे की खेत देखने को, जिससे ये जो वीडियो है ये जो ब्लॉग है पूरा सुगंधित हो जाएगा। तो वो यहाँ से बचा है अप्रॉक्स 20 to 30 minutes। तो बस वहीं जा रहे हैं अभी हम, अभी सब थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पे गांव है और उस पहाड़ी पे जाके यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने खेती बाड़ी की है। तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे किसान कितने मेहनती हैं। देखिए बस दिन में जज्बा होना चाहिए, है ना सर? हाँ जी। मैंने कहा जज्बा होना चाहिए कुछ करने की। जी इसी कहते हैं देखिए सडन प्लान, एकदम से सोचा नहीं था कि हमारा ये बिना सोचे समझे एक छोटा सा ट्रैक ही हो जाएगा। पूरा पसीना पसीना हो गया यहाँ से, बोला था पूरा हुआ नार लगेगा जिसमें से 40 मिनट्स हमने क्रॉस कर लिया, बस 20 मिनट्स बचे हैं, 20 to 25 minutes। और देखिए यहाँ पर आप हालत सभी लोग बिना रुके चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और मंजिल थोड़ी ही दूर है बट रास्ते थोड़े ऐसे हैं। A few minutes later. क्या बोल रहे सर? ये जो एक रिंगण बोलते हैं ना, हाँ जी, पेन निकलती है यहाँ से नीचे तक। हाँ जी। मैं 4 साल बैसाखियों में चला हूँ। अच्छा सर। फिर इसका जो है ना इसकी जड़ उखाड़ में। एक मिनट आप नजदीक से दिखाओगे ये पौधा, ये वाला, ये पौधा। ये बहुत मिलता है, बहुत मिलेगा आपको नीचे भी बहुत। ये देखिए हमारे जंगलों की खासियत, मतलब हमारे जंगल में इतनी सारी बोलते हैं ना मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है जिनके बारे में तो आधा से ज्यादा हमें पता ही नहीं है। बट ये देखिए हाँ जी हाँ जी जानते ना, ये तो बस एक किसान ही बता सकता है। देखिए हर एक पौधे की इम्पोर्टेंस मैं आपको सारे बता देता हूँ। हाँ जी ये दिखाना, ये जो है ना, हाँ जी, इसको ये दांत के लिए ना, हाँ जी, इसको दांत में दर्द है ना, हाँ जी, इसको भूनना है चूल्हे। अच्छा। में चूल्हे में भूनने के बाद वो जो राख है वो मलनी। अच्छा जी, देखना इसका मैजिक, दांतून की तरह, ये दांतून की तरह काम करता बोला। कौन सा ये पौधा? ये पौधा ना सर, ये पौधा, ओके, नजदीक से। अच्छा ये वाला पौधा देखिए दोस्तों, सर से ज्यादा कौन जानता है ये मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, हर थोड़ी देर बाद ये तो मुझे लग रहा है ये क्लेमेटिस। हाँ जी देखिए ये किसके लिए यूज होता है ये क्लेमेटिस का, मुझे है। मेरे ख्याल स्नेक बाइट के लिए। अच्छा जी,
ये देखिए हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है ना सर। बिल्कुल, बस ये कि सिर्फ ढूंढने का तजुर्बा होना चाहिए और हमें ये तो जानते हैं, इसको हम खट्टी मीठी बोलते हैं वैसे ना, ये डाइस के लिए होता है। अच्छा जी, ये CSIR में उगाया जाता था पहले। ओके सर, तो मैं आपको बता रही थी कि प्रकृति ने देखिए दोस्तों हमें सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें प्रकृति की वैल्यू पता होना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, बस दोस्तों हम बस मैंने कहा सबर का फल मीठा होता है, बस अभी थोड़ी सी मंजिल हमें दूर है, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं ना सर अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ जी, अपनी डेस्टिनेशन पे, बस थोड़ा पसीना पसीना हो गए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तब तक मैं आपको और बताऊंगा। हाँ, तब तक सर हमें बताएंगे, बीच बीच में अगर हमें कोई भी मेडिसिनल प्लांट दिखता है तो सर हमें गाइड करेंगे। बिल्कुल गाइड करेंगे। अजवाइन की तरह लग रहा है ये, अजवाइन की तरह है। देखो एक मिनट, हाँ स्मेल तो दे रहा है, आपने खाया इसको? स्मेल दे रहा है अजवाइन की तरह, अजवाइन ही तो नहीं रही, जंगली जंगली अजवाइन नहीं है ये देखिए। बहुत चलने के बाद फाइनली हमें एक सुंदर सी लोकेशन मिली है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर सभी रेस्ट कर रहे हैं, और सामने देखिए व्यू, देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू है, ये है सुकून यहाँ पर, इसे बोलते हैं असली सुकून। ये देखिए नेचर बहुत ही सुंदर, और सभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। मतलब इतना चलने के बाद हमें लगा कि बोल सकते हैं ना, जितनी थकान थी वो सारी थकान हमारी उतर गई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम मतलब अप्रॉक्स 40 मिनट से पैदल चल रहे हैं। ये देखिए एक सुकून सा मिल गया यहाँ पे पहुँच के। One hour later. हेलो दी। हेलो, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी हम कौन से गाँव जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जलग्रा। हाँ जी, तो इसका नाम जलग्रा क्यों है? मतलब एक्चुअली मुझे लगता है ये गाँव पहले एक बार आग लगी थी, जल गया था, इसके बाद इसका नाम जल गया पड़ गया। अच्छा जी, तो बस अभी हम उसी गांव जा रहे हैं। और ये जो अभी जो सामने गांव दिख रहा है ये कौन सा है? ये पूरा ही जल गया है, इसके पीछे कंडी पड़ती है और इसके नीचे लुलाही पड़ती है। अच्छा जी, मतलब ये यही जल गया है, बट हमने इससे भी ऊपर जाना है। ऊपर जाना है। अच्छा ठीक है जी, हम कंडी की साइड जाएंगे। ओके ओके, चलिए दोस्तों। ये देखिए सुंदर सा गाँव, कोई सोच भी नहीं सकता, देखिए कितनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें ये देखिए बहुत सुंदर सा गाँव सामने देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत लकी है ये कि कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, और साथ में मुझे लग रहा है यहाँ कुत्ता भी एक। ये देखिए मेरे दो साथी जो चल रहे हैं धीरे धीरे, थक गए? हाँ यार, बहुत बुरे, बहुत थक गए। कोई बात नहीं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अभी हम पहुंच चुके हैं इस वाले घर में, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से भी ऊपर है। बट यहाँ पर देखिए एक डॉगी भी है, देखिए सामने, अभी भौंक रहा था, रुक गया देख के हमें। ये इन्होंने बताया कि ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है यहाँ घर में, देखिए इसको बोलते हैं यहाँ पर झरखा, और इससे बनती है सब्जी, तो सब्जी के लिए यूज होता है। साथ में आपको दिखा रही, ये देखिए गांव का असली घर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर काकड़ी, देखिए प्रोसेसिंग करके यहाँ पर पूरा रखा हुआ है, इसको पूरा सुखाया हुआ है, फिर इसको खाएंगे यहाँ पे। जिस लोकेशन पे अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पे बर्फ़ भी पड़ती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्दियों की तैयारियाँ हो रही है। जैसे गर्मियों में तो इसको एज अ सैलड क्रॉप खाते हैं, बट जैसे सर्दियों में जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है तो इसको एज अ वेजिटेबल, मतलब ड्राई वेजिटेबल्स की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ में थोड़ी वेजिटेबल्स यहाँ पर कम होती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी तो हमारी जो खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, तो रेस्टिंग पीरियड होता है, तो उसमें खाने के लिए साधन। ये देखो, हेलो करो। हेलो, नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? परू। परू, परू है परू। ये हमारी काकड़ी, देसी काकड़ी, अब बस इसको खाएंगे हम, फिर करेंगे हम आगे का रास्ता पूरा अपना। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से हम चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से किसानों ने इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे यहाँ पर अपने जो हमारे जंगली गेंदे हैं, सुगंधित गेंदा है, उसकी खेती की है। ये देखिए पूरा आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे, अब तो इनमें फ्लावरिंग भी आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ क्रॉप को। ये देखिए ये इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, और इसके जो फूल होते हैं ना, ये देखिए कितने छोटे छोटे होते हैं, ये देखिए, और इससे निकलते हैं हमारे सुगंधित गेंदे का तेल।
हमारे CSIR IHBT के साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार जी की आप देख ही सकते हैं डेडिकेशन कि वो कितने डाउन टू अर्थ है और जो हमारे किसान है उनकी फील्ड का जी हेलो जी नमस्ते जी उनकी फील्ड का ब्यौरा कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि कम से कम यहाँ पर 1 आवर लगेगा आपको पैदल चलने के लिए, पर सर ने एक मिनट भी नहीं सोचा और सीधे हाँ कर दिया कि हम जाएंगे ही जाएंगे और हम वहाँ पर फील्ड विजिट करेंगे, है ना सर। हाँ सीधा हो गया ना, फिर आपकी हाइट कम रहेगी, बड़ी ज्यादा नहीं होगी और हाइट कम रहेगा, ऐसे डिस्कशन करते हुए ना अपने इतने और ज्यादा बिखरेंगे, है ना। हाँ नहीं नहीं अच्छा है, पानी भी नहीं टिकता ना यहाँ पर, हाँ इसको ये सभी निकल गए हैं आगे, बस हम भी चल रहे हैं। बस मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक यही था कि इतनी चढ़ाई चढ़नी थी और मैं पहन के आ गई हूँ ये हील, बट कोई नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। देखिए सोचा नहीं था कि आज इतनी सुंदर जगह देखने को मिलेगी मुझे और मेरे साथ मेरी जो छोटी सी जो YouTube फैमिली है। अब इस जो ये ऊंचाई पे है दोस्तों, सच कहूँ तो दोस्तों एक दिल को एक सुकून सा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर चली है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। बट मैं सच बताऊँ, मैं जो सर की जो डेडिकेशन उसको देख के भी हैरान हूँ क्योंकि जब किसान ने बोला ना कि 1 आवर आपको पूरी खड़ी चढ़ाई सीधे चढ़नी पड़ेगी उस पहाड़ी पे, तो 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ी ऐसी हो गई थी कि सोच रही थी कि पता नहीं जाए नहीं जाए। एक्चुअली मैं मेरी ड्रॉबैक ये थी कि मैंने पहनी है चप्पल, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए कैमरामैन, ये देखिए मैंने पहनी थी चप्पल और क्योंकि एकदम से सडन प्लान बन गया था जाने का, तो सोचा नहीं था कि हम इतनी चढ़ाई पे चढ़ेंगे, नहीं तो मैं शूज पहन के आती। बट सर ने एक मिनट भी नहीं लगाया सोचने के लिए, सर बोलते कि क्विक चलिए हमारी CSIR की टीम जल्दी चलिए सब एक मिनट में ऊपर ही पहुंचेंगे। तो बस अच्छा लगा ये देख के और व्यू बहुत सुंदर है दोस्तों। A few minutes later. ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पुराने जो मिट्टी के घर हैं, काफी टाइम बाद मैंने ये देखे क्योंकि आजकल सबके घर वही है सीमेंटेड, तो सीमेंटेड घर देखने के बाद एक आदत सी पड़ गई है। बट बहुत टाइम बाद मैंने ये घर देखे यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि इन घरों में कोई नहीं रहता है अब क्योंकि जिस हिसाब से कोई है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता इन घरों में। और ये देखिए अंदर तो ओ भाई डर लग रहा है मुझे भी, यहाँ पर कोई नहीं रहता। एक्चुअली मैं ये बहुत हाइट पे है, जिस लोकेशन पे हम आए हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही हाइट पे है और बोलते हैं ना इतनी हाइट पे रह के मतलब लोगों को लाइफ थोड़ी टफ होगी क्योंकि उन्हें जो उनकी डेली नीड की ज़रूरत के सामान है उसके लिए भी उन्हें बहुत नीचे जाना पड़ेगा और डेली इतना उतराई चढ़ाई करना बहुत टफ है। तो सारे नीचे प्लेन एरिया में सेटल्ड हो चुके हैं। बट ये देखिए पहले के घर पूरे पत्थर और मिट्टी और ये देखिए लकड़ी के हुआ करते थे, बट इनों में अब कोई नहीं है। कोई है यहाँ पे? कोई रहता है यहाँ पे? कोई रहता है? नहीं रहते यहाँ पे। अब चले गए ये लोग यहाँ से? अच्छा आते हैं कभी कभी। अच्छा चलिए अब चलते हैं यहाँ पे आगे, ये तो पता लग गया कि यहाँ कोई नहीं रहता है। सांस पूरी तरह से फूल चुकी है, ये देखिए गांव से होके निकल रहे हैं, अभी तो काफी दूर है। One hour later. ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जंगली गेंदे की हाइट, मतलब हमसे भी ऊंचे ऊंचे हैं, मुझसे तो काफी ऊंचा है। तो ये देखिए बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, अभी तो मुझे सबर का फल बहुत तो मेहनत भरा लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल था चलने के लिए। बट जब ये उपज फसल पक जाएगी, इसका ऑयल होगा, लोगों के जेब में पैसा आएगा, तब लगेगा कि सबर का और मेहनत का फल कैसा है, मीठा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएंगे आप? राजेश कुमार गांव कंडकोसरी। हाँ जी सर आपका? नमस्कार जी। शनि कुमार गांव कंडकोसरी। हाँ जी सर। सर आप ये बताओगे कि आप कब से ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, थोड़ा सा सुगंधित गेंदे के बारे में आपको कैसे पता लगा? अभी मैम हमें 4 महीने हुए किए हुए। हाँ जी सर। एक्चुअली में बात ये है कि हम जन कल्याण संस्था के अंतर्गत श्रीमान चली लाल जी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें ये बीज प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर हमने ये बीजा है, पर हम अब मैम देखते हैं कैसा होता है, जल्द देखते हैं। इस जमीन पे आप पहले से ही खेती बाड़ी करते आएगी? नहीं मैम ये 15-20 साल हो गए, इसको बंजर पड़ी थी ये, हमने काफी मेहनत की है। आपने फर्स्ट टाइम ही इस पे ये सुगंधित गेंदा लगाया है? जी, जी, जी। सर आपको ये जो यहाँ जंगली गेंदे का जो बीज है उसके वो कहाँ से प्राप्त हुआ और आपको कैसे पता चला कि ये सुगंधित गेंदा भी कोई एक फसल है और ये आपकी जो बंजर भूमि पे इतना खिलखिलाएगा एक समय आने पे? मैम हम जो है संस्था में जुड़े हुए जन कल्याण में, उनका जो आगे मतलब CSIR पालमपुर में जो है उनके लिंक है,
के थ्रू मतलब हमारे को जो ये बीज मिला हुआ, मतलब जो CSIR IHBT है। हाँ जी, आपने वहाँ पर विजिट किया है कभी खुद? जी मैम, दो बार जा चुके हैं। अच्छा जी, तो आपको वहाँ पर और बहुत सारी फसलों के बारे में बताया गया होगा? हाँ जी, मोबाइल बताया। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर कितने एरिया में ये सुगंधित गेंदा लगाया है? 150 से ऊपर है। हाँ जी सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया अभी? जी मैम, देखो आप, बढ़िया है। और इससे पहले आपने कोई भी फसल नहीं लगाई थी? नहीं नहीं नहीं। तो बहुत ही सुंदर है, आप लोगों ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप सबको सच में एक बार फिर से सैल्यूट है वैसे आप लोगों को, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आके खेतीबाड़ी करना मतलब बोल सकते हैं पूरी डेडिकेशन है। नहीं नहीं मैम, हम किसी को मतलब प्रेरित करने जाते हैं ना युवाओं को, जैसे बाहर नौकरी कर रहे हैं, इतने 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम प्रेरित करने जाते हैं, गांव में आओ, गांव में काफी पैसा है, अपना काम अपना ही होता है, किसी गुलामी क्यों करनी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर आप अपने बारे में कुछ जान बताइए। मैं एक संस्था चलाता हूँ जन कल्याण सभा, और उसके द्वारा जो है मेरे साथ कम से कम संस्था में जो जुड़े लोग जो किसान, कम से कम 2000 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार हमने ये जंगली गेंदा जो किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, जो रोमा मिशन के द्वारा डॉक्टर के राणा जी के साथ जो है हमें बहुत हेल्प मिल रही है इनकी तरफ से। हाँ जी सर। और यहाँ विजिट भी कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आज इस स्पोर्ट तक पहुँचे, इतनी हाइट में पहुँचे। हाँ जी सर, मैं इनका कोटी कोटी जो है प्रणाम करता हूँ भाई। हाँ जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपने आगे इतने सारे किसान जोड़े हुए हैं, उन सबको इसके बारे में जानकारी दी। बोलते एक लिंक होता ना, एक जैसे बोलते कि हाथ पकड़ पकड़ के सारे आगे बढ़ते हैं, तो सर ने आपको बताया, आपने आगे बताया, तो ये भी आप एक मतलब कल्याण समाज सेवा ही कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम जल गांव जो कि तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ पर आए हैं, और ये गाँव जो है लगभग 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल हाइट पे है। और यहाँ पर किसानों ने जो अपनी पिछले 15-20 वर्षों से बंजर भूमि थी वहाँ पर हमारे कहने पर इन्होंने ये जो सुगंधित गेंदे की फसल है जो आप देख रहे हैं ये लगाई है। और ये पिछले जून माह में इन किसानों को हमने बीज दिया था जन कल्याण सभा जो है, जिसके कि चुनीलाल जी अध्यक्ष हैं, और इनके माध्यम से ही हमने किसानों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बीज था वो CSIR अरोमा मिशन के माध्यम से पहुँचाया। और आज आप देख रहे हैं कि आज हम यहाँ पर किसानों के साथ इनको मतलब कि कैसे काटना है, किस स्टेज पे काटना है, उसके बारे में हम ट्रेनिंग देने के लिए भी आए हैं, और इनको बताने भी आए हैं कि इसका तेल निकालने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस या वो फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो एक तो फसल देख के हमारी तबीयत खुश काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत अच्छी फसल जो है किसानों ने यहाँ पर इसकी ग्रो की हुई है गेंदे की, बहुत ही हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी फसल, अच्छी गुणवत्ता की फसल जिसमें हम बोल सकेंगे, जिसमें गुणवत्ता युक्त तेल जो है जिसमें कि हाई ओसिमिन कंटेंट और जो दूसरे अन्य कंटेंट होते हैं ओसिमिनोन्स, वो यहाँ पर इस फसल से हमें प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ कि ये जो फसल है, यहाँ के जो किसान लोग हैं जो अपने 8-10 हज़ार रुपये के लिए जो बद्दी या जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो और अपनी जो ज़मीनें हैं इनकी बंजर पड़ रही हैं, और हमारा भी अभिप्राय, हमारा भी जो है प्रयास है कि जो युवा हैं हमारे जो अपने खेत हैं बंजर हो रहे हैं खेत, या जो जंगली जानवरों से प्रभावित खेत हैं, वहाँ पर आकर के इन फसलों की जो कि जिनकी की सुगंध उद्योग और जो आपका फ्लेवर उद्योग है या इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी डिमांड रहती है इनकी फसलों के जो तेल निकलता है, और वहाँ पर इसको सेल करके हम इसका फार्मर का पूरा राइट फ्रॉम सीड से लेकर के इसका प्रोसेसिंग तक का और उसके बाद मार्केटिंग तक इनकी हम लिंकेज कर रहे हैं ये CSIR अरोमा मिशन में। आप देख सकते हैं कि जैसे इनका जो सारे खेत जो है सारे हरे भरे खेत हैं, ये पहले सारे बंजर हुआ करते थे, और ये जो हमारे युवा किसान हैं जो कि पहले बता रहे हैं कि बद्दी या दूसरे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करते थे, 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे, और आज यहाँ पर ये एक मतलब अच्छा विकल्प इनके सामने उपलब्ध है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर, मैंने इतने लोगों के साथ काम किया पर सच में इतनी डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखी, क्योंकि जैसे मोस्ट ऑफ द जितने भी मतलब ऐसा मैं किसी को बोलना नहीं चाहती, पर वैज्ञानिक ऐसे होते हैं कि मतलब इतना कौन चल के जाए, आप लोगों ने भी देखा ही होगा प्रैक्टिकली जब सर को बस हम, बल्कि मैं भी सोचने लगी थी कि यार एक घंटा कौन चले, बट सर ने एक मिनट भी नहीं लगाया ये सोचने की, बात तो आप सब मानते हैं, है ना सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, सच, थैंक यू सर, थैंक यू।
हमारे साथ पक्की पहाड़न 16,000 एल्टीट्यूड पे, हम लोग 1600 एल्टीट्यूड पे हैं। पक्की पहाड़न यूट्यूब चैनल मैडम जी का है, उसको सभी प्लीज सभी लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना दोस्तों, और कमेंट भी करना। चलिए ये देखिए सामने ओ नीचे, ठहरो एक मिनट मैं आपको जस्ट वेट अ मिनट जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ कहाँ गया, यहाँ यहाँ पर लगी हमारी गाड़ी और हम यहाँ से पूरा पैदल आए सारा ऊपर तक। ये देखिए हमें मिला है यहाँ पर अंजीर का पेड़ जिसमें लगे अंजीर, बट मेरे से पहुँचा नहीं जाएगा। ओह अंकुश आप पहुँच सकते हो, लेट्स ट्राई। अंजीर पे पहुँचना है? हाँ। अरे कहाँ पहुँचना है? नहीं पहुँच सकते अंजीर, तो बस आप लोग यहीं से देख लीजिए। ये छोटू जैसा, ये छोटू, यस देखिए मिल के हमने स्ट्रगल कर ही लिया। ये देखिए अंजीर, ये लो आप खा लो। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। चलो अब देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं वापिस अपने मंजिल के देखने के बाद वापिस अपने घर की तरफ। तो बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके, बहुत दिल खुश हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक माय ब्लॉग प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज पक्की पहाड़न प्रियंका राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।